हाँ। सेट के ऊपर माहौल कैसा था इतने बड़े बड़े भाई स्टार लेफ्ट राइट सेंटर आप सोचे जाने से पहले इंसान यह सुनता है तो कहता है कि पता नहीं क्या होगा और ड्रामा और जलसी और ये और वो और अपना ये रूम अलग और अपना ये टाइम और कोई बात ना करे मतलब मैं तो हैरान हो गई आप सोचें हसन भाई मैं सेट पे गई तो मैंने कहा ये यही ये, ये, ये है मीडिया बस ये ये शोबिस इतना लोगों ने वो नेगेटिव एक और क्रिएट किया हुआ है मतलब मैं जब सजल यमुना सायरा कुबरा रमशा के साथ बैठती थी तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं अपनी बहनों से फ्रेंड से बात कर रही हूँ शुरू में ऑफकोर्स सबको टाइम लगा टाइम टाँग भी नहीं लगा ना मजे की बात यह कि हम लोगों ने इंस्टेंटली कनेक्ट किया आई में जब हमारा गुजरा वाला में जब हम सबका पहला पहला आ, सीन से इकट्ठे हम लोगों ने इतना अच्छे से कनेक्ट किया हमने मतलब we started having fun on set और हमने अपने लिए ही टाइम अच्छा वहाँ पे किया क्योंकि पी एमए -में, में हमने दो महीने गुजारने थे आप सोचें दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम और एपटाबाद जो कराची से इतना दूर आप सोचें आब्टाबाद से दो घंटे की ड्राइव इस्लामाबाद इन इस्लामाबाद से दो घंटे की फ्लाइट कराची. कराची तो बहुत घर से बहुत दूर और हम ही थे आपस में एक दूसरे को कंपनी देने के लिए तो हमने सेट पे मेकअप के साथ भी हम मिलके हम लोग डांस भी करते थे हम गाने गाते थे हम बाहर से ऑर्डर करके खाना छोटी सी पिकनिक्स भी करते थे बहुत मजा आया मुझे ये भी पता चला सबसे ज्यादा आपने की हैं सेट के ऊपर आपके कुछ को स्टार से मुझे पता है कि ये जो जीना है ना इसने बहुत जीना मैं ये तो नहीं कहूँगा जीना हराम का बट अपेंटली यू वेरी लाइक नॉटी और आपने काफी उधर शरारते की हैं कुछ तो करना था <laughs> <laughs> सबसे ज्यादा आपकी दोस्ती किससे हुई वहाँ पे ओ, मैंने सजल को बहुत तंग किया मतलब मेरी हाँ, आप बताना शुरू करें किस किस को तंग किया आपने सबसे ज्यादा <laughs> यानी कि आपने सजल को तंग <laughs> मतलब मेरी और सजल की जोड़ी ऐसे है जैसे टॉम एंड जेरी मैं उनको तंग करती थी और वो मुझे वापस तंग करती थी और ये साइकिल चलता था पूरा दिन वो मुझे देखती थी मैं उनको देखती थी और हम दोनों हंसना शुरू हो जाते थे हमारे से सीरियस बात नहीं होती थी पूरा दिन सेट पे हम एक दूसरे को चूंटियाँ काट रहे अब सोचे एक दफ़ा तो ऐसे हुआ नदीम भाई ने कहा एक्शन और हम लोगों ने दरवाज़ा खोल के हम सब ने जाना था और मैं और सजल दरवाजे के पीछे एक दूसरे को पकड़ के तंग कर रहे हैं और वो मेरे मतलब कर रही है तंग कर रही है मुझे ऐसी गुदगुदी कर रही है मैं उसकी जैकेट की जिप ऊपर नीचे करी हूँ और एकदम से एक्शन हुआ और हम सीधे उगर और हमने सीन किया तो मतलब ऐसे होता था और सीन्स के पीछे सारे आगे खड़े हुए और मैं और सजल पीछे लड़ रहे हैं जो ही कैमरे में मुँह आता था हम सीरियस हो गए जो ही कोई सामने आता था एकदम से फिर से लड़ना शुरू हो गए तो मतलब ट्वेंटी फोर सेवन एंटरटेनमेंट होती थी सज्जल को आपने सबसे ज्यादा तंग किया दूसरे नंबर पे आपने किसको तंग किया सबसे ज़ार? दूसरे नंबर पे मुझे लगता है मैंने सज्जल को तंग करने में इतना टाइम लगा दिया कि वो और किसी को तंग करना बचा ही नहीं लेकिन मैंने वैसे सबको अपने इंडिविजुअल सब जगह पे हाँ सबको सब पूरा टाइम सब सब दे देके आपने तंग किया ज्यादातर जरा टाइम मैंने दिया सजल को तंग करने में ज़्यादा फोकस, लेकिन सबको सबको किया, सब सब किया, हुआ it, सब साथ है सबके सबके साथ, साथ, मैं और यमुना सेट पे एक गेम खेलना शुरू हो गए यमुना खेलती थी मैंने देखा मैंने उनकी देखा देखी गेम खेलना शुरू कर दी अब वो गेम ऐसी कि उसमें ना आपको कोई क्लूज ढूंढने पड़ते हैं अब सोचे अब आजकल भी चार बजे सुबह के मैं स्क्रीन लेकर यमुना को भेजती हूँ यमुना मुझे ये ढूंढ दें इसमें से और यमुना का दो सेकेंड में रिप्लाई आ जाता है कि ये यहाँ पे है तो एक तो यमुना के साथ बहुत मतलब वो मुझे बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह उनसे फीलिंग आती है वो मुझे बिल्कुल छोटी बहन बच्चों की तरह वो मेरे से प्यार करती है और सजल से मेरी बहुत बात होती रहती है हम वो आज आजकल काफ़ी बिजी हैं लेकिन मैंने उनके साथ प्लान भी किया हमने मिलना भी था Uh, और रमशा के साथ रमशा को मैंने मैगी बना के देनी थी मैंने सेट पे एक दफ़ा मैगी बनाई और रमशा को बहुत पसंद आई तो उसने कहा कि जब हम कराची जाएंगे तो मेरे लिए मैगी बनाना और कुबरा के साथ कुबरा के साथ तो मेरा अपना बहुत मतलब हमारा बिल्कुल फ्रेंड्स बहुत चिलिंग है मेरी और कुबरा की uh, सायरा के साथ बहुत मुझे लगता है मेरी सायरा से ज़्यादा नूरे के साथ है

मैं बेहतर करूंगी नहीं मैं बेहतर करूँगी ऐसा था ही नहीं और ये आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है निधिम अंकल को भी कि उन्होंने इतना लाइट रखा सेट को सबको इतना इंडिविजुअली इजी रखा स्पेशली एक्टिंग में कि सब अपने कैरेक्टर में इतना खुश थे कि किसी को ये नहीं हुआ कि नहीं मैंने इससे बेहतर करना है सबका कैरेक्टर इतना डिफरेंट है ना हर किसी की अपनी स्टोरी है जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना है तो किसी का ध्यान तरफ गया नहीं कि नहीं ये बेहतर करिए इससे मैं ज्यादा बेहतर करूंगी

स्टोरी बहुत इंटेंस होने वाली है क्योंकि इंटेंस एज इन मतलब आगे जाके एपिसोड एक्शन पैक्ट है अच्छा प्रॉपर एक्शन है एपिसोड में कॉमेडी भी है और मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस है एक्शन और कॉमेडी um, में मतलब बहुत बैलेंस है आगे ऑडियंस तो क्या मेरे से खुद इंतजार नहीं हो रहा है मेरा दिलचार है मैं जाके एर वाई के ऑफिस में कहू मुझे में सारे डाल दे मैं एक ही साथ बैठूंगी देखने के लिए लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टोरी है. So Saturday 8 p.m. Everybody has to take out time drama. सिदरा है, है, मस... अच्छा तो की वो ये है कि जब पी में आने से पहले ना सिदरा को लगता है कि दुनिया बस खेल है एक और दुनिया और पूरी हर चीज सिदरा के बारे में और सिदरा गलत भी करे तो ठीक है और अगर उसको कोई गलत कहे तो वो गलत है और वो सही है लेकिन पीएमएम में ना वो काफी रहती है उसका एसेंस सिद्रा का रहता है सिद्रा विल ऑलवेज बी लाइवली शी विल ऑलवेज बी चीयरफुल उसकी एनर्जी नहीं जाती लेकिन वो थोड़ी सी सीधी हो जाती है मतलब उसको पीएम में ना थोड़ा सीधी होगी सीधी होगी <laughs> हो बहुत सीधी नहीं सिद्रा अपना एलिमेंट नहीं लूज करेगी सिद्रा सिद्रा रहेगी लेकिन जरा थोड़ी सी ट्रिम

It's अभी तो तीन किस्तें हुई हैं बट तीन किस्तों से अंदाजा हो रहा है जिस तरह से ट्रीट किया गया है बेस्ट फॉर को, को well well so, सिन्फे आहन और वो Thank तो हम you. देखते ही रहेंगे और इन्जॉय भी करते रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें हंसाती भी रहेंगी और एंटरटेन भी करते inshallah. रहेंगे सिंफे आहन से हट कर अब आपने एक्टिंग कर तो ली और वो जैसे लगता है मुंह को खून लग गया और चस्का एक लग गया

तो ये क्या अभी मतलब इतनी कम उम्र में ये जो अचीव कर हैं है जीना ऐसे महसूस अभी भी बहुत कुछ करने को रहता है मतलब अल्लाह अल्ला ने जितना नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अभी है कि और बहुत कुछ करना है बहुत कुछ करना है और अभी अल्लाह बेहतर करे आगे देखते हैं क्या होता है तो क्या फिर सोचा आपने माशाल्लाह डिग्री आप परसू रही हैं Digital. Film and digital. Film arts. and digital. Arts. Arts.